हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम अपने एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके रिलेटेड है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल का, ठीक है, जो आपका हुआ था 1 दिसंबर 2022 को 11:45 से लेकर 12:45 तक। इसका मतलब ये आपका शिफ्ट सेकंड में हुआ था, ठीक है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लॉजिक, ठीक है, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करेंगे सोल्व किससे, लॉजिक से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सा इसमें आंसर आएगा। फिगर देखना, हमें फिगर मैच कराना है लेकिन रोटेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर को आप चेक करो तो ये नीचे वाली फिगर से मैच करे, लेकिन ये रोटेशन के अकॉर्डिंग आपकी मैच करेगी तो ये आपका ऑप्शन नहीं होने वाला। सेकंड फिगर आप मैच करो, सेम टू सेम ये फिगर आपको दे रखी है सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड फिगर मैच हो गई। थर्ड और फोर्थ आपने आप चेक कर लेना, ओके। बोला कि अगर प्लस को हम डिवाइड कर दें, माइनस को प्लस कर दें, मल्टीप्लाई को माइनस, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है। तो मल्टीप्लाई को क्या बोला है इसने, माइनस कर दो, ओके। और माइनस को क्या बोला है, प्लस कर दो, और डिवाइड को क्या बोला है, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस को क्या बोला है, डिवाइड कर दो, ठीक है, और माइनस को प्लस कर दो। सोल्व करते हैं तो सोल्व क्या होगा, 38 माइनस 23 आप करोगे तो 15 आ जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा, ओके। भाग में 6 और 3 9 हो जाएगा, और लास्ट में आपका डिवाइड भी है। डिवाइड को हमने क्या चेंज किया है, डिवाइड को अपने मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना, तो ये 27 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 को 27 से, 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 गुना 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोलो कि गेव को लिखा है इसने ये, कैप्ट को ये लिखा है, एसिड को क्या लिखा। देखो आप, जी जी और ए को इंटरचेंज कर दिया, वी और ई को इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट के पेयर को इंटरचेंज करना, पे के इंटरचेंज करते हैं, पी टी को भी इंटरचेंज करते हैं। सेम चीज एसिड, एसिड में पहले क्या लिखेंगे हम, सी लिखेंगे तो पहले सी आ जाएगा, फिर आपका ए आ जाएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर आपका आई आएगा। इसके साथ ऑप्शन को मैच कर लो और आपका आंसर जो दे रहा है वो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। बस इंटरचेंज करना है, ठीक है, इनकी प्लेसेस चेंज करनी है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट लेवल नहीं दे रखा। बोला कि 2 का अपोजिट हमें बताना है, दो दो आपका किधर किधर दिखाई देगा, एक तो ये रहा और कहीं और भी नहीं है, तो 2 आपका यहाँ पर है, तो लेकिन इसके से और सरफेस देखो तो 1 और 5 आपको यहाँ दिखाई देगा और 1 और 5 यहाँ दिखाई देगा। जब बोला गया है कि अगर किसी भी दो फिगर में आपकी दो सरफेस सेम हो तो तीसरा सरफेस ऑटोमेटिक क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो इसका मतलब 2 का अपोजिट कितना आ जाएगा, 2 का अपोजिट 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का अपोजिट आपका क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 12 और 16 बना दिया, 24 को 64 बना दिया, तो 18 को हम क्या बनाएंगे, हमें अभी ये बताना है, ओके। तो थोड़ा सा ये आप कह सकते हो मॉडल लेवल का भी, लेकिन मैं कुछ, अगर मुझे जो आइडिया आया है, 12 और 16 को इसने क्या कैसे बनाया है, 24 64 को इसने कैसे बनाया है, और बीच में 18 को क्या बनाना है, ठीक है, ओके। तो 12 मैं अगर कहूं कि अगर इसमें आप लॉजिक देखोगे तो, लेकिन इस लॉजिक को सोचना बहुत ही मुश्किल काम है, तो आप जित प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास वो लॉजिक जल्दी से जल्दी आ जाएगा, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो फर्स्ट को मैं क्या लिखता हूँ कि 3 की मल्टीप्लाई है, सभी 3 की मल्टीप्लाई है, राइट, सभी क्या है, 3 की मल्टीप्लाई में है, राइट। और जो सेकंड नंबर है क्या है, 4 की मल्टीप्लाई में है, आप चेक कर लो, 4 की मल्टीप्लाई में या फिर 8 की मल्टीप्लाई आप कह सकते हो, ठीक है, ओके।
तो मतलब यहां पर 4 या फिर 8 के मल्टीप्लाई में से एक होना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन कट जाएगा, ये 4 के है, ठीक है। तो ये ट्रिक की यूज नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, दूसरी ट्रिक को चेंज करते हैं। तो आप देखोगे 3 के मल्टीपल में तो है, तो 3 गुना 4 12, 4 गुना 4 16, ठीक है, राइट। और यहाँ पर 3 गुना 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 गुना 8। ओके, समझ आ गया। क्या क्या है समझ में, कि जो 4 नंबर आया है ये दूसरा क्या देगा, स्क्वायर रूट देगा। तो इसका मतलब 3 गुना यहाँ करेंगे 6, और अगले बारे में क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट, सॉरी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 36 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया वो अच्छे से, ठीक है। बस कुछ नहीं, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 गुना 4, और जो मतलब अगला हमें देखना है कि 16 दे रखा है या 9 दे रखा है। अगर 9 देता तो 3 गुना 3 करता है, अगर 16 दे रखा तो 4 गुना 4 करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर रूट का हमने करना पड़ेगा। तो ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली सुई 90 डिग्री, फिर क्या हुआ, फिर 45 डिग्री, फिर 90, फिर 45, आपकी बार 90। तो मतलब आपकी बार जो सुई होगी, छोटी वाली सुई, ये ऊपर की तरफ होगी, छोटी वाली सुई हमें चेक करना है, छोटी वाली, अभी तो छोटी वाली चेक कर रहे हैं। अब बड़ी वाली चेक करते हैं, तो ये आपकी कितना चला गया, लगभग 135 चला गया, ठीक है, सेम 135 यहाँ चला गया, 135 और 135 और 135, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ जाएगी, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं अपना ऑप्शन, तो ये आपका आंसर दिखाई देगा, तो चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप चेक कर सकते हो थर्ड ऑप्शन के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ आप इसको चेक कर सकते हो, बिल्कुल यही फिगर आपकी दे रहा है। ओके, तो इस तरह से आपकी बस थोड़ा सा राउंड फिगर दिखा रखा है और सिंपल सा लॉजिक दे रखा है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो पहले हम क्या, इस क्वेश्चन हम देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए कि डॉट दे लो, क्योंकि डॉट चेंज हो रही है, 1 3 5 7 9, 9 डॉट आएंगे, ठीक है। 9 डॉट किस साइड में आएंगे ये भी आपको पता लगाना, लेफ्ट डाउन कॉर्नर पर आएंगे। तो लेफ्ट डाउन कॉर्नर पर एक तो इसमें आपका है, और ये आपका राइट डाउन में है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, एक इसमें है लेफ्ट और इसमें भी है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ के ऑप्शन में है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कुछ ऐसा। इस एरो को चेक करते हैं, ये एरो क्या है, इसमें तो ऊपर है, इसमें राइट साइड गया, इसमें डाउन गया, इसमें लेफ्ट चला गया, अब की बार ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर इसमें ऊपर नहीं है, और यहाँ पर राइट अपर है, तो राइट अपर यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपका बचा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसमें देखो सभी में एन एन दिया हो तो आ जाएगा एन, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ सेकंड, क्योंकि सेकंड लेटर सभी का चेंजेज है, ठीक है। तो आप सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि क्या आना चाहिए, एम एम है सेकंड लेटर, दूसरे में क्यू है, तीसरे में यू है, चौथे में वाई है, फिर पांचवे में क्या आएगा, ये हमें पता लगाना है। M 13, Q 17, U 21, Y 25, ठीक है। 4 4 4, मतलब 4 जोड़ रखे हैं, अगले भी 4 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। और 29 को हम क्या लिखते हैं, क्योंकि अल्फाबेट तो हमारे 26 तक रहते हैं, बचा कितना, 3 बचा, और 3 पर कौन आएगा, सी आएगा, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो सी नहीं है यहाँ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जो कि तीनों ऑप्शन से अलग है बिल्कुल। और अलग करने के लिए मैं हर बार बताता हूँ, हर एग्जाम में मैंने बताया कि लास्ट के 2 लेटर आप चेंज कर लो, तो लास्ट के 2 लेटर चूज करोगे तो ये आपका 22 हो जाएगा और 18 हो जाएगा आर। तो
सेकंड ऑप्शन में आप चूज करोगे तो 6 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में चूज करोगे S19 पर O15 पर। फोर्थ लेटर में, फोर्थ ऑप्शन में चूज करोगे या पर 7 पर या आपका 9 पर। अब आप देखो इनका डिफरेंस कितने का, 4 का, इनका कितने का, 4 का, इनका कितने का, 4 का, इनके कितने का, 2 का। तो ये तीनों ऑप्शन तो 4-4 का डिफरेंस दे रहा है और ये आपका 2 का डिफरेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इसने इस तरह के लॉजिक दे दिए, ठीक है। तो जंप को JLUWMO, ठीक है। ओके, तो इसने क्या किया, +2 किया, सभी में +2 करके यहाँ आंसर दे दिया, ठीक है। +2 जेड जे में +2 करेंगे, एल यू में +2 करेंगे, डब्ल्यू एम में +2 करेंगे, ओ सेम काम पी को +2 करेंगे, आर ए में +2 करेंगे, जी और डी में +2 करेंगे, एफ। तो यहाँ पर सभी का लॉजिक दे रखा है +2। सेम आपको ये करके देखना है, ठीक है, इसमें कितने का। और अब इसमें हमें क्या लगाना है, +2 का लॉजिक लगाना है, ठीक है, सभी में। तो एफ +2 मतलब एफ आपका 6 पर होता है और यहाँ मतलब 8 आएगा, और 8 पर कौन होता है, एच आता है, तो जिसमें एच नहीं उसको कट करो एक बार के लिए। अब हमें वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो चेंजेज है, के डब्ल्यू डब्ल्यू ये अलग हो जाएगा, डब्ल्यू बी के, थर्ड लेटर इन सभी का अलग अलग है, ठीक है। तो थर्ड लेटर जेड, जेड में +2 करेंगे मतलब ये आपका 26 होता है, 26 28 दे देगा, 28 दे देगा, राइट। और 28 आपको पता है अल्फाबेट 26 के होते हैं, तो बचा कितना, 2 बचा, और 2 पे कौन आता है, बी आता है, तो थर्ड नंबर पर बी आना चाहिए। तो यहाँ इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें सिर्फ बी ऑप्शन, सॉरी इस ऑप्शन में आपका बी है और ये आपका ऑप्शन दे देगा राइट। ओके, बोला कि डी डब्ल्यू डी एफ जी आई जे। ओके, तो क्या बोला है इसने, एक मिनट, 6 से 7 9 10। तो डी 4 पर होता है, मैं फर्स्ट लेटर ले रहा हूँ सभी के, डी 4 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, आई 9 पर, और फिर आपका 10 पर। अब आप चेक करोगे यार कि जो अगला जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 +2 + 1, मतलब +2 + 1 के सीरीज दे रखे, तो +1 2 + 1 करके आगे +2 आ जाएगा, +2 10 + 2 कितना होता है, 12, 12 पे कौन सा लेटर होता है, एल, जिसमें एल नहीं उसको कट करो। अब आप चेक करो कि सेकंड में क्या आ जाएगा, 23 21, टी आपका 20 होता है, आई आर आपका 18 होता है, क्यू आपका 17 होता है, ठीक है। नहीं तो आप चेक कर लो कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर दे रखे हैं ज्वाइंट में। तो एल का अपोजिट लेटर आपको पता है 27। अपोजिट लेटर क्या होता है कि जब दो भी दो नंबर को जिस तरह ए प्लस जेड मिलाएंगे तो 27 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट, कैसे, 1 + 26, ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। तो 12 को 27 बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, +15 करना पड़ेगा इसके साथ, तो 15 पे कौन आता, ओ आता, तो एल ओ आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया, वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। स्टेटमेंट दे रखी है क्या, ऑल के आर एच, सभी के क्या है, एच है, राइट। नो एच इज के, कोई भी एच के नहीं है, लेकिन एच जो होता है किसी भी कंडीशन में एच भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम चेक करते हैं कंक्लूजन किस अकॉर्डिंग दे रखा था, बोला कि नो के इज एच। ओके, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये चीज आपको यहां दे रखी है, अगर एच के नहीं है तो इसका मतलब के भी तो एच नहीं होगा। और बोला कि ऑल एच आर के, क्या सभी एच के हैं, आप चेक करो कि जो के है वो एच का कितना पोर्शन ले रहा है, कुछ छोटा सा पोर्शन ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर सम होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑल दे रखा तो ऑल हो जाएगा गलत, क्योंकि ऑल तो क्या होता है सभी को कंप्लीट कवर करना, लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्सा कवर कर रखा के द्वारा, तो सेकंड कंक्लूजन गलत हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि 240 55 65,
320, 85, 75, इनको हम कैसे बनाए, अब हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं सोच पा रहा हूं कि मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं, मतलब कि सेकंड को प्लस करूंगा थर्ड के साथ, अगर ये प्लस होने के बाद दो की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस वन, सॉरी, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यह लॉजिक लगाने वाले हैं, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना देगा, ये आपको 120 देगा, और 120 का डबल यहाँ दे रखा है, राइट। सेम कंडीशन यहाँ चेक करके देख लेते हैं, तो 185 और 75 आपका कितना देगा, 160 देगा, और 160 का डबल दे रखा है। बिल्कुल ठीक लॉजिक बना अपना ये। ओके, तो यहाँ 25 और 35 कितना होता है, ये आपका 60 हो जाएगा, तो 60 का डबल 120 होता है, तो ये नहीं होगा। 90 और 15 कितना होता है आपको पता होगा, 105 होता है, और 105 का डबल कितना होता है, 210 होता है, तो ये भी नहीं है। 5 और 105 कितना होता है, 110 होता है, और 110 का डबल 220 होता है, यहाँ पर ये नहीं है। और 35 और 45 कितना होता है, 80 होता है, और 80 का डबल आपको दे रखा, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये लॉजिक लगाना और आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कुछ डॉक्टर पेंटर हैं, कुछ डॉक्टर जो है वो पेंटर हैं, ओके, सॉरी, कुछ है ना, तो कुछ कुछ का लगाएंगे निशान, कुछ डॉक्टर पेंटर है, और सम डॉक्टर आर लेबर, कुछ डॉक्टर लेबर भी हैं। अब लेबर और पेंटर की कंडीशन चेंज हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम मतलब पेंटर लेबर भी हो सकते हैं। ठीक है, वो बाय चांस होते हैं, वो हम देखें कंक्लूजन के अकॉर्डिंग कि किस तरह का कंक्लूजन इन्होंने दे रखा है। तो अभी जो सिंपल सा वो हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑल लेबर आर एथलेट, सभी लेबर क्या है, एथलेट है, तो इसको मैं एथलेट बना लेता, राइट। बोला कि सम लेबर आर पेंटर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन चेंज जो होंगी, सम एथलेट आर डॉक्टर, कुछ एथलेट डॉक्टर हैं, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, क्योंकि अगर लेबर डॉक्टर हैं तो इसका मतलब एथलेट भी डॉक्टर होंगे। ठीक है, ऑल डॉक्टर सारे एथलेट, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सम की कंडीशन पहले दे दी, तो ऑल का ऑप्शन तो आने ही ना चाहिए। सम एथलेट आर पेंटर, कुछ एथलेट क्या है, पेंटर है, हाँ, इसकी कंडीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर ये यहाँ से कट कनेक्ट हो गया तो हो सकता है, अगर यहाँ से चला गया तो ये आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर कंडीशन ही नहीं हो रही है, अगर हमें 50-50 चांस है, तो इसका मतलब वो पूरा ही गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका सिर्फ कंक्लूजन सेकंड राइट होगा, और आपका सेकंड ऑप्शन में कंक्लूजन सेकंड ओनली कह रहा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोटेशन अलाउड नहीं है और फिगर हमें लगानी है, कौन से ऑप्शन में फिगर आपकी आने वाली है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, इसमें भी नहीं दिखाई दे रही आपको, क्योंकि उसमें रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, इसमें रेक्टेंगल आपको बना दिया, और थर्ड ऑप्शन में शायद आपको ये फिगर दिखाई दे जाए। ध्यान से देखो और ऑप्शन को देखो कि आपको कौन सी ये फिगर आपकी यहाँ है। ठीक है, सेम फिगर आपको दे रखी है। ओके, तो ये थर्ड ऑप्शन में मैच हो गई, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ऑड वन आउट निकालना है, कि इस किस तरह से लॉजिक हमने यहाँ लगाए हैं, तो आप देखो सिंपल सी चीज दे रखी है कि डिफरेंस चेक करना आपको, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, दो का है पहले में, फिर अगले में कितने का, चार का है। ठीक है, इसमें कितने का है, दो का है, इसमें कितने का, दो का है। ठीक है, सेम चीज दो, इसमें इसमें कितने का, तीन का। ठीक है, इसमें कितने का है, तीन का, और इसमें कितने का, एक का। ये क्या लॉजिक दे दिया इसने भाई, एक सौ 53 से 151, 151 से 147, ये तो सारे अलग अलग दे दिए, फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हो गया कि दो की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, यहाँ पर दोनों सेम हो गई,
तो ये क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसको अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, इसको क्या लॉजिक लगाऊंगा तो ये भी आपका राइट आंसर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें तो अलग अलग आ रहे हैं सभी में, लेकिन इसमें क्या है, सेम लॉजिक आ रहा है। ठीक है, अगर और लॉजिक लगाओगे तो SSC के अकॉर्डिंग इसमें जो लॉजिक लगा है कि सेम डिफरेंस आएगा, क्योंकि 2 के साथ 4 का डिफरेंस है, फिर इसमें हम देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से भी ये लॉजिक बना के आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। तो ठीक है, कुछ इस वीडियो के बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, पहले पेपर्स को कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। बोला है कि किन दो साइन को और किन दो नंबरों को इंटरचेंज करें ताकि करेक्ट इक्वेशन हो जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं कि डिवाइड को उठा लेते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड को उठाएंगे, डिवाइड को उठाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हम डिवाइड रखेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन पहले उठाते हैं, तो इसमें डिवाइड है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं सर पहले ही। तो 15 150 गया तो 10, और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2 गुना 9, क्योंकि प्लस ये आपका साइन भी तो चेंज करना है ना, साइन के साथ नंबर भी चेंज करना है। तो 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका, 24 माइनस 18 करोगे तो 6। इसी से आपका राइट ऑप्शन आ रहा है और ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बोला कि साइटोस्केलेटन को हमने इस चीज में लिख दिया गया है, और माल न्यूट्रिशन को इसमें लिख दिया गया है, और एलिटरेशन को हमें क्या लिखना है। अब आप चेक करोगे, देखो लेटर सभी सेम है, कोडिंग में क्या है, लेटर सभी सेम है, तो हम पोजीशन चेंज करनी है बस, और कुछ नहीं करना। CYTOSKELETON क्या लिखा गया, TYC। अब समझो, धीरे धीरे समझो मैं क्या कर रहा हूं। TYC इसको क्या क्या इंटरचेंज किया है, राइट सभी को। अगले में KSO इसको इंटरचेंज किया है, मतलब अगले में क्या है, ELE आपको दिखाई देगा सेम, लेकिन इसको इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, ये गलती मत कर देना है कि सेम दिखाई दे रहा, तो कुछ ना थर्ड ग्रुप में हम सेम लिख देंगे, लेकिन आपको सेम नहीं लिखना, लेकिन पूरा चेंज करना है। इस ई को इस साइड भेजेंगे और इस ई को इस साइड भेज देंगे, ये फिर लास्ट में आपको NOT ये इंटरचेंज किया, क्योंकि अगर सभी इंटरचेंज किए तो इसको भी इंटरचेंज होना पड़ेगा। ठीक है, सेम काम यहाँ पर करना हमें। ओके, क्या करना है कि फर्स्ट 3 लेटर को इंटरचेंज करो, LLA, ठीक, LLA जिसमें नहीं है उसको हटाओ पहले, तो ये हटा दें। फिर अगले 3 लेटर को ITE, ITE को चेंज करेंगे ETI, सभी में ETI है। ठीक है, अगले 3 को चेंज करेंगे RAT, मतलब TAR आ जाएगा, TAR इसमें भी है, TAR यहाँ पर नहीं है तो ये कट जाएगा, TAR यहाँ पर भी, TAR मतलब A बीच में आएगा तो ये भी कट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन आपको बचा, और बाकी आप और आगे सॉल्व करना चाहते हो NOI आपका ये कोड बना देगा, और ये सेकंड वाला अपने आप मैच करना ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, साइसिक क्या होता है, इसको ये दे दिया, सिटीजन को ये बोल दिया, और महात्मा को क्या लिखें। अब आप चेक कर सकते हो, सेम क्वेश्चन दे रखा बिल्कुल पीछे वाले की तरह, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते तो सीधा साधा आप आंसर दे सकते थे, YSP इसको इंटरचेंज किया है। ठीक है, आगे चेक करते हैं सी, इस सी को एज इट इज उतार दिया, CH इसको इंटरचेंज कर, मतलब पहले पार्ट को और दूसरे दूसरे लास्ट वाले पार्ट को इंटरचेंज किया, और जो बीच में आपका लेटर वो सेम टू सेम रह रखा, तो हम महात्मा को चेंज करने वाले हैं, महात्मा, तो MAH को चेंज कर देंगे तो HAM आ जाएगा, HAM जिसमें नहीं है उसको हटाओ पहले,
HAM, ठीक है। और फिर ए को एजिटीज, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी में। अब लास्ट वाले को फिर इंटरचेंज कर, तो ए एम टी की पोजीशन अलग है, यहाँ पर पूरा ही अलग है, और ये AMT कंप्लीट है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बोला कि फोर्थ पोजीशन बतानी है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो अब देखोगे अंश 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 UNS तो सभी में आपको दिखाई दे रहा है, ए ए थर्ड में आपका ए दिखाई देगा, पांचवा में ए दिखाई देगा यहाँ पर, फिर एफ एफ आएगा या वाई आएगा, तो पहले एफ आएगा तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा। अब अगर ये आ गया तो फर्स्ट, तो इसका मतलब फिर ए के बाद ई दिखाई देगा, ई के बाद पोजीशन चेंज करेगा तो ई ए, तो पहले ए आएगा तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा, और ये आपका लास्ट हो जाएगा पांच। आपसे अब जो भी पोजीशन पूछी जाए आप पुट कर सकते हो, तो अनसिन आपको फोर्थ पोजीशन में दिखाई देगा, तो अनसिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक्सप्रेशन शो कराना है कि क्यू जो है वो सन है पी का, तो किस एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि क्यू जो है सन है पी का। तो क्यू, एक मिनट, क्यू सन है पी का, ओके, तो इसका मतलब हमें सिर्फ साइन चेंज करना है, क्योंकि देखो क्यू पी दे रखा है, साथ में क्यू पी दे रखा है, और क्यू, तो सिर्फ ये चीज चेक करना है, ठीक है, इसके अलावा हमें और कुछ चेक नहीं करना। तो क्यू जो है वो सन होना चाहिए पी का, लेकिन लास्ट वाले के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि क्यू जो है वो क्या है, डिवाइड, डिवाइड में क्या हो जाएगा, ब्रदर के, आर का ब्रदर, और इसमें मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, फादर, क्या दे रखा है, क्यू इज सन ऑफ पी, चलो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई की जगह फादर दे रखा है। ओके, शायद ये ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं एसएससी ने, पी प्लस क्यू, इसका मतलब पी इज द मदर ऑफ क्यू, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई फादर दे रखा, तो मल्टीप्लाई आपका फादर है आर का, ठीक है। ओके, तो इसका अकॉर्डिंग भी जो पी का बेटा हो जाएगा क्यू राइट हो जाएगा। लास्ट वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पी जो है वो मदर है क्यू की, ओके, लेकिन डिवाइड में ब्रदर, ब्रदर दे रखा है आर का, ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग भी आपकी सन सन ही आएगा, पी पी और क्यू का रिलेशन जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है वो ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब ये इस ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो इसका मतलब इसको भी हम बाद में सोल्व करेंगे, तो अभी इसके लिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि नंबर ऑफ मैथ साइन को हमें चेंज करना है करेक्ट बनाने के लिए। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको ये कहता हूँ कि आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डिवाइड चेंज करो, डिवाइड चेंज करोगे तो शायद आपका सॉल्यूशन हो सकता है जल्दी जल्दी। तो प्लस माइनस इनको हम, इसको आपको, इन चीजों को आपको हमेशा बाद में सोल्व करना, लेकिन सबसे पहले जिसमें भी डिवाइड का चेंजेज है उसको सोल्व करना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। तो ये आपका इंटरचेंज है तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 30 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 4, ओके, आगे 25 35 को चेंज करना, ठीक, प्लस 15 माइनस 25 इज इक्वल टू 35, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ठीक आ जाएगा। तो 4 से 2 3, ये 2 से आपका ये 15 15 3 45, प्लस 15 माइनस 25 10 हो जाएगा, तो 45 माइनस 10 कितना हो गया, 35 हो गया। जैसे आपने इस ऑप्शन को उठाया और आपने पता लगा कि ये ठीक कर इक्वेशन ही ठीक हो गई, तो इसके अलावा आपको किसी भी चीज को सॉल्व नहीं करना, कोई भी ऑप्शन पर आपको नहीं जाना, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट करोगे आप वहां जाकर, ठीक। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को, ठीक है। तो
तो करते हैं सॉल्व इसको पूरे को। ए प्लस जी, ए इज द फादर ऑफ जी, ए इज द फादर ऑफ जी, ठीक है, जी एंड आई, जी एंड आई, जी इज द ब्रदर ऑफ आई, जी इज द ब्रदर ऑफ आई, ओके। आई प्लस आर, आई प्लस आर मतलब आई जो है वो फादर हो जाएगा किसका, आर का। आर एट द रेट एस, आर एट द रेट एस, आर इज द सिस्टर ऑफ एस, एस ठीक है, एस इज द सिस्टर ऑफ टी, एस इज द सिस्टर ऑफ टी, ओके। टी इज द वाइफ ऑफ बी, टी इज द वाइफ ऑफ बी, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और सॉरी बी नहीं, यू, यू दे रखा टी से आगे। तो आप इसको एक बार मैच कर लेना क्या मैं सही बना रहा हूँ, और एंड एंड ब्रदर ऑफ, ठीक है। अब हम इसको मैच करते हैं कि आई जो है वो फादर इन लॉ है यू का, आई जो है वो फादर इन लॉ है यू का, जी हाँ, ये आई क्या है, आई की बेटी का, आई की बेटी के साथ रिश्ता, बेटी के साथ, बेटी का हस्बैंड है, तो इसका मतलब ये फादर इन लॉ हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जी इज द ब्रदर ऑफ आई, जी इज द ब्रदर ऑफ आई यहाँ पर है, राइट है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। आर इज द पैटरनल ग्रांड डॉटर ऑफ ए, ए की पैटरनल ग्रांड डॉटर, हाँ बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। अब इसको मैच करते हैं, ए इज द मैटरनल ग्रांड फादर ऑफ ए, क्या ए टी का मैटरनल ग्रैंडफादर होता है। देखो टी जो वो बेटी आई की, और आई का फादर कौन है, ए, तो ये आपका पैटरनल होगा, यहाँ पर अगर आपका पैटरनल आता, पैटरनल आता तो ये आपका ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर मैटरनल दे रखा है क्योंकि ये आपका दादाजी है, यह इस कंडीशन को अकॉर्डिंग बोला कि ये आपका नाना जी है, और इस कंडीशन का अकॉर्डिंग बोला कि दादाजी है, ठीक है। तो आपको पता लगाना कि ये क्या है, तो आपके ये जो ए है ना वो टी का क्या है, दादाजी है, ठीक है, दादाजी, ना कि नाना जी, ठीक। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट, गलत हो जाएगी, इनकरेक्ट ही पूछा है, बोला कि नॉट करेक्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि 35 को 21 बनाया है, 40 को 24 बनाया है, ओके, सिंपल सा है, पता लग गया क्या आंसर आने वाला है, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो पीछे हमने इसी लॉजिक पर बात की थी, तो ये आपका 5 का मल्टीपल है, ये भी आपका 5 का मल्टीपल है, ठीक है, किसका मल्टीपल है, 5 × 7 का, और ये भी 7 का मल्टीपल हो जाए, 7 3, ठीक है, ये क्या है, 5 × 8 है, और ये आपका 8 × 3 है, मतलब वो 5 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल होगा, ये 5 का मल्टीपल होगा, ओके, ये चीज पता लगाना है। लेकिन ये किसका मल्टीपल है वो चेक करने के लिए 36 को हम 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12, तो मतलब यहाँ पर जो होगा 5 × 12 आएगा, वो कितना आंसर आ जाएगा, 60। सिंपल सा, पढ़ते ही क्वेश्चन का पता लग गया कि क्या आने वाला है, ओके, मतलब प्रैक्टिस इतने कर दो कि आपको पढ़ते ही इसके बारे में पता लग जाए। और आगे चेक करते हैं कि 4 6 12 14 28 30, अब यहां पर आप देखोगे प्लस 2 हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, फिर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 60 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, एक तो आपका सेट का क्वेश्चन छूटा हमसे, और क्योंकि जो ऑप्शन थे ना वो ऑप्शन क्या हो रहे हैं कि मैच, दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ठीक है, दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो इस वजह से वो हमने स्किप किए हैं कि SSC किस रीजन से उसका आंसर दे रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपना नया एग्जाम उठाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।